कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी निकले हुए हैं। इस वक्त ये यात्रा मध्य प्रदेश के इंदौर में मौजूद है। द मूक नायक भी यहाँ पर ग्राउंड पर पहुँचा हुआ है। राहुल गांधी से मुलाकात होगी, राहुल गांधी से सभी पर बात होगी। दलित हो, आदिवासी हो, जनगणना हो या बिल्किस बानो हाथरस जैसा मामला, सोच में क्या फर्क। हम चाहते हैं कि चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, जनरल हो, जो भी हो, उन सबकी आवाज से हिंदुस्तान चलाया जाए। सेंसस को करा दो, रिजर्वेशन किसने दिया ये बात हम मत भूलिए। आदिवासी मतलब जो सबसे पहले थे हिंदुस्तान के पहले मालिक, वनवासी जो बीजेपी कहती है, जो लोग जंगल में रहते हैं, उसका मतलब है कि जंगल के बाहर आप नहीं जा सकते, जंगल के बाहर आप सपना नहीं देख सकते। आप अगर अपने बेटे को पायलट बनाना चाहते हो, इंजीनियर बनाना चाहते हो, लॉयर बनाना चाहते हो, डॉक्टर बनाना चाहते हो, तो नहीं, आपके लिए मना है क्योंकि आप वनवासी हो। तो आपको लगता है देश में अभी भी संविधान बाकी है? चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो जुडिशरी हो, इन सब में आरएसएस अपने चुने हुए लोग एक एक करके डालते हैं और ये संविधान पे आक्रमण है। दो तीन चार बड़े उद्योगपतियों के बीच में असली लड़ाई और असली लड़ाई धन की है। हिंदुस्तान की जनता का जो धन है वो किस प्रकार से बांटा जाए, लड़ाई वो भारत जोड़ो यात्रा में हम लोग शामिल हैं और हमारे साथ राहुल गांधी, और राहुल गांधी से हम सभी मुद्दों पर बात करेंगे। तो राहुल जी, पहले तो ये भारत जोड़ो यात्रा क्या है, क्यों है, और मतलब भारत जोड़ो यात्रा से क्या होगा? भारत जोड़ो यात्रा का क्या लक्ष्य जी? हिंदुस्तान का जो स्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, उसमें उसकी नींव संविधान है और संविधान में से बाकी संस्थाएं निकलती हैं, जुडिशरी निकलती है, ब्यूरोक्रेसी निकलती है, प्रेस निकलती है, सब संस्थाएं निकलती है, सब इंस्टीट्यूशन निकलते हैं। उन सबको आरएसएस और बीजेपी ने कैप्चर कर दी। आज हिंदुस्तान में कोई विपक्ष राजनीति करना चाहे तो पूरा का पूरा जो ढांचा है वो बंद, उसमें आप विपक्ष की बात उठा नहीं सकते। जैसे हम पार्लियामेंट में बात करते हैं, जो भी हम उठाना चाहें पार्लियामेंट में, लोकसभा में, चाहे वो किसानों का अधिकार हो, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, चाइना की बात हो, जो भी हम उठाना चाहते हैं वो सब लोकसभा में हमें उठाने नहीं देते, माइक ऑफ कर देते हैं। तो रास्ता हमें यही दिखा कि जनता के बीच में जाकर सीधा जनता से बात करें। तो आज संविधान दिवस भी है। नहीं, आपने पूछा सवाल तो जी जी, जो डर फैलाया जा रहा है, लोगों को बांटकर, लोगों को डराकर और पॉलिसीज के माध्यम से, उस डर के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, नफरत के खिलाफ हमने ये यात्रा शुरू की। यात्रा का दूसरा लक्ष्य जो बेरोजगारी फैल रही है, गरीबी फैल रही है और महंगाई फैल रही है, उसके खिलाफ खड़ा होना। जी, आज संविधान दिवस भी है, तो आपको लगता है देश में अभी भी संविधान बाकी है? संविधान को जीवित अगर हम रखना चाहें तो संविधान की रक्षा होनी चाहिए। रक्षा एक तरफ जनता करती है मगर दूसरी तरफ रक्षा हमारे इंस्टीट्यूशंस करते हैं, हमारी विधानसभाएं, लोकसभाएं करती हैं, हमारी जुडिशरी करती है, हमारी प्रेस करती है, और ये जो सब इंस्टीट्यूशंस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, संस्थाएं हैं, ये सब वो काम नहीं करती। जुडिशरी सचमुच में संविधान नाम के वास्ते है, वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा। आप जुडिशरी की बात कर रहे हैं, बल्कि सभी जगह अगर हम देखें तो वहाँ पे अभी दलित आदिवासी की वो प्रेजेंस नहीं है। दलित आदिवासी और पिछड़ों की प्रेजेंस, बिल्कुल अल्पसंख्यकों की भी प्रेजेंस, हाँ मतलब नहीं दिखता है, जबकि संविधान ने तो सबको बराबर का मौका देना चाहिए। तो क्या वजह है, मैं मतलब वजह जानना चाहता हूँ। ये राजनीतिक लड़ाई है और राजनीतिक लड़ाई में उनकी तरफ धन है, आज उनकी तरफ सरकार के सब अंग हैं,
गरीबों की तरफ, सिर्फ गरीबों की आवाज़ है, किसानों की आवाज़ है, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की आवाज़ है। अगर उस आवाज़ को हमने ऑर्गेनाइज कर दिया तो वो बहुत पावरफुल चीज़ है, मगर वो जो आवाज़ है वो बिखरी हुई है, तो वो कैसे इकट्ठा होगी? भारत जोड़ो यात्रा एक उसका ये किसका एक तरीका है, आवाज़ को इकट्ठा करना, आवाज़ को सुनना, लोगों से बात करना, लोगों के दिल में जो है उसको समझना और सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना। आप देखिए यहाँ पे कोई नफरत नहीं दिख रही आपको, यहाँ पे कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा भैया आप कौन सी जात के हो, कौन से धर्म के हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चे हो या बुजुर्ग हो, कोई नहीं पूछ रहा है, सब आ सकते हैं, खुला है, यही 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 हिंदुस्तान है, लेकिन ऐसा हिंदुस्तान हमें चाहिए। लेकिन इस समय तो अगर हम देश में देखें तो हिंदू और हिंदुत्व की एक लड़ाई चल रही है, उसमें अपने आप को दलित आदिवासी पिछड़ा मुस्लिम कहाँ अपने आप को देखें? देखिए लड़ाई लड़ाई हिंदुस्तान में गरीबों और दो तीन चार बड़े उद्योगपतियों के बीच में असली लड़ाई, और असली लड़ाई धन की है। हिंदुस्तान की जनता का जो धन है वो किस प्रकार से बांटा जाए, लड़ाई वो उसमें उसमें दलितों की जगह है, अल्पसंख्यकों की जगह है, गरीबों की, किसानों की, पिछड़ों की, सबकी जगह है। अभी क्या हो रहा है कि वन साइडेड हो गया, तो पूरा पूरा फायदा चुने हुए लोगों को, लाइव वो है, इसको पकड़ेंगे क्या थोड़ा सा? हेलो थैंक यू मेन लड़ाई धन को कैसे बांटा जाए उसकी है। लेकिन जुडिशरी में भी तो एक तरह के लोग हैं, अगर हम कॉलेजियम की बात करें तो कॉलेजियम आप जानते हैं कि एक तरह के लोग हैं, एक ही तरह के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, तो कॉलेजी में आपको क्या कहना है? देखिए मैं जुडिशरी की सिर्फ बात नहीं करूँगा, हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो जुडिशरी हो, इन सब में आरएसएस अपने चुने हुए लोग एक एक करके डाल, तो ये सिर्फ जुडिशरी में नहीं हो रहा, ये सब जगह हो रहा है। हाँ बिल्कुल सब जगह हो रहा है, क्योंकि जाति देखकर लोग भ्रमित कर रहे हैं, और ये संविधान पे आक्रमण है, क्योंकि क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो फ्रेमवर्क है, ये संविधान ने बनाए। जुडिशरी जो है वो किसी संगठन की नहीं है, वो ब्यूरोक्रेसी हिंदुस्तान की है, वो किसी संगठन की नहीं है, आरएसएस की नहीं, वो हिंदुस्तान की जनता की, प्रेस भी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, मोदी जी की या शाह जी की या आरएसएस की नहीं, हिंदुस्तान की जनता का, तो वो पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान की जनता की रक्षा करने का स्ट्रक्चर है उसको एक संगठन ने पकड़ लिया। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक देश में एक नई विचारधारा पैदा हो रही है, ये जो यात्रा है ये विचारधारा है, आरएसएस की दूसरी विचारधारा है, आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई कौन लड़ रहा है और कौन सी पार्टियां लड़ रही हैं वो आप देख लीजिए बस। लेकिन हाल ही में आरएसएस में भी आपकी तारीफ हुई है, भारत जोड़ों की तारीफ हुई है, वो तो करनी पड़ेगी क्योंकि अगर तारीफ नहीं की तो जनता देखेगी, सवाल पूछेगी। अगर आरएसएस और बीजेपी जानते हैं कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ लड़ती है, ये हमारा डीएनए है, और ये हमारा डीएनए आज नहीं आया, ये हमारा डीएनए आज़ादी की लड़ाई से के टाइम से है। हाल ही में आपने आदिवासियों को देश का मालिक बताया था, हाँ। तो आदिवासी देश का ओरिजिनल मालिक। लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर हम देख रहे हैं जो आदिवासियों की लड़ाई है और
लड़ रही हैं वो, उस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि वहाँ पर उस तरह का सपोर्ट भी नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर यहाँ हैं, उनसे बात कीजिए। ये मगर जी सवाल पूछ रही है छत्तीसगढ़ के बारे में, कि आदिवासियों के बारे में छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहले बात ये है, जल जंगल जमीन उनका हक है, और उन्होंने कभी उनपे क्योंकि स्वाभाविक रूप से उसे मिला हुआ है, उन्होंने दावा नहीं किया। जैसे मैदान में हम लोग जमीन अपने बाप दादा ने हमारे बाप दादा ने करा लिया, आदिवासी नहीं कराए। यूपीए सरकार ने जो फॉरेस्ट राइट एक्ट लाया उसके तहत अधमान्यता पत्र दिए, और हमारे यहाँ 4.5 लाख आदिवासियों को अधिमान्यता पत्र दिए। फिर उसके बाद पूरे देश में पहली बार हुआ उपज की खरीदी की व्यवस्था की, उसको लोन दिए, और जितने लघु अनुपज है 65 प्रकार के लघु अनुपज हम लोग खरीदी कर रहे हैं पूरे देश का, 75% केवल छत्तीसगढ़ में उसका वैल्यूडिशन कर रहे हैं, उसे लघु रोजगार मिला, उसकी इनकम बढ़ रही है। लेकिन हसदेव अरण्य के लिए अभी भी लोग लड़ रहे हैं। हसदेव अरण्य एक छोटा हिस्सा है जिसके बारे में बात हो रही है, रेमरू एलिफेंट बीजेपी शासनकाल में 400 वर्ग किलोमीटर किया था, उसको हम लोग 9,500 वर्ग किलोमीटर में पूरा उसको कर दिया गया। थोड़ा सा पेड़ जो कोयला के लिए था उसमें मुस्लिम 40 हेक्टेयर जमीन, कहाँ 9,500 स्क्वायर किलोमीटर, उसमें से 40 हेक्टेयर 8,000 पेड़ काटे गए। कोयला राजस्थान को जरूरत है, उसके बदले में पहले से मेरा लगा दिया गया। पर्यावरण अधिनियम में पूरा भारत सरकार अधिनियम वन अधिनियम और पर्यावरण अधिनियम सबका पालन हो रहा है। रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड है कि कांग्रेस पार्टी और अंबेडकर जी ने संविधान दिया, राइट, नींव फाउंडेशन। उसके बाद अगर आप यूपीए का समय देखें उसमें मनरेगा दी, जमीन का अधिकार दिया, पैसा कानून दिया, ट्राइबल बिल दिया, तो हमारा रिकॉर्ड तो बिल्कुल क्लियर है। और ये बहुत बड़े काम, ये छोटे काम नहीं, और इन काम करने के लिए बहुत बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ी, ये छोटे काम नहीं। हमारी जो अप्रोच है, अगर आप मेरा भाषण सुने कुछ दिन पहले वाला, उसमें हमने कहा है आदिवासी मतलब जो सबसे पहले थे, मतलब हिंदुस्तान के पहले मालिक, वनवासी जो बीजेपी कहती है, जो लोग जंगल में रहते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर वो वनवासी है और जो बीजेपी कह रही है, उसका मतलब है कि जंगल के बाहर आप नहीं जा सकते, जंगल के बाहर आप सपना नहीं देख सकते। आप अगर आप अपने बेटे को पायलट बनाना चाहते हो, इंजीनियर बनाना चाहते हो, लॉयर बनाना चाहते हो, डॉक्टर बनाना चाहते हो, तो नहीं, आपके लिए मना है क्योंकि आप वनवासी हो। और फिर जंगल को काटा जा रहा है, तो अंत में जिनको वनवासी कह रहे हैं उनके पास जंगल भी नहीं बचे, तो कहीं के नहीं रहे। लेकिन तो उसी जंगल ये सोच में फर्क है। हम चाहते हैं कि चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, जो भी हो, उन सब की आवाज से हिंदुस्तान चलाया जाए, और जो हिंदुस्तान का धन है वो सब के बीच में बांटा जाए। ये नहीं कि 2-3 लोगों को पूरा का पूरा धन मिल जाए और बाकी लोग देखते रह जाए। ये सबसे बड़ा फर्क है बीजेपी और कांग्रेस। और अगर आप हमारा रिकॉर्ड देखें, शुरुआत से मैंने आपको संविधान की बात करी, हरी क्रांति की बात देखिए, सफेद क्रांति की बात देखिए, बैंक नेशनलाइजेशन देखिए, लिबरलाइजेशन देखिए, प्रीवी पर्स देखिए, मनरेगा देखिए, पूरा हमारा रिकॉर्ड है। और ये 5 साल का रिकॉर्ड नहीं है, ये पुराना 100 साल पुराना रिकॉर्ड है, जब हमने आज़ादी की लड़ाई शुरू की। हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, बीजेपी जो जात का ढांचा है उसको उसकी रक्षा करती है, और वो चाहते हैं
की जो जात है वो हिंदुस्तान में मिटे ना, और वही उनकी लड़ाई है। हमारी लड़ाई सबको अधिकार देकर हिंदुस्तान का जो, जैसे मैंने बोला, जो धन है, जो वो पूरा का पूरा सब लोगों को मिले। लेकिन आपको नहीं लगता है 2011 में जब आपकी सरकार थी तब भी वोट डाल करनी चाहिए थी? हम कर रहे थे। फिर क्यों वो डेटा बाहर नहीं आया? हाँ, वो बाहर क्यों नहीं आया डेटा? नहीं, अच्छा, आप सेंसस की बात कर रहे हो? हाँ। सेंसस करवाया किसने? सबसे पहला सवाल, करवाया किसने? बीजेपी ने करवाया? बीजेपी ने नहीं, कांग्रेस ने करवाया। कांग्रेस ने करवाया, और वो हमारी पार्टी की व्यू है। जो भैया जो सेंसस डेटा है उसे बाहर निकलना चाहिए, और हम उसके लिए हैं। उस समय हमारी पार्टी में डिस्कशन चला था, और हमारी राय है कि वो बाहर आना चाहिए। मगर ये आप मत भूलिए कि सेंसस को करा किसने, रिजर्वेशन किसने दिया, ये बात आप मत भूलिए। मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा, कोई बात, आ जाओ। जैसे हाथरस में हुआ, और हाथरस में एक सिक्योरिटी दे रहे हैं, मतलब उस परिवार को, और बिल्किस बानू का आप देखे कि रेपिस्ट जो है उनको मालाएं पहनाई जा रही है, उनको संस्कारी कहा जा रहा है। तो ऐसे में इस देश में दलित मुस्लिम महिला होना क्या है, मतलब गलत है क्या? उनको इंसाफ आगे मिलेगा कभी? ये कोई भी महिला, कोई भी हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जात की हो, कोई भी हो, किसी के खिलाफ अगर गलत काम किया जाए, उसके एकदम कड़ी सजा मिलनी चाहिए। थैंक यू सर। फिर से करवाना, फिर से कर सकते।